Students, I am Neel sir, and today's topic will be proper and common nouns. In the earlier video, I have shared about nouns. Nouns क्या था? Naming words. इससे हम लोगों को ये मालूम चलता है कि हम लोग किसे क्या बुलाते हैं, ठीक है, जो नाम देते हैं. तो आज nouns के भी दो और नए भाग जो हैं, two new kinds of noun that we are going to learn today is प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. ठीक है, तो अभी सबसे पहले ये दोनों नाउन्स है क्या, पहले हम लोग सीखे कि नाउन्स नेमिंग वर्ड है, हम लोग नाम देते हैं. अब किसको क्या नाम देते हैं, क्यों हम लोग नाम देते हैं, ये सीखेंगे प्रॉपर और कॉमन नाउन्स में. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाई एंड टू हूम वी गिव नेम्स. ऑलराइट, सो सबसे पहले आते हैं प्रॉपर नाउन्स में. प्रॉपर नाउन, ऑलराइट, इसके डेफिनेशन. डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन क्या है, जब हम लोग कहते हैं कि स्पेशल नेम्स गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग. जब हम लोग कोई खास नाम देते हैं, स्पेशल नेम्स, ऑलराइट, खास नाम देते हैं किसको किसको, पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स. तो ये चार हैं जिन्हें हम लोग स्पेशल नेम्स देते हैं, जिससे हम लोगों को ये पहचान होता है कि ये चीज वो है, ये इंसान का नाम ये है, अच्छा हम लोगों को वो जगह जाना है, या फिर ये जानवर के नाम ये है. तो इसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन्स. वी विल गो थ्रू द डेफिनेशन. व्हाट इज प्रॉपर नाउन? स्पेशल नेम्स गिवन टू पर्सन्स, places, animals and things. ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन. स्पेशल नेम्स गिवन टू persons, places, animals and things. ऑलराइट, तो अगर आपसे पूछे कि भाई प्रॉपर नाउन क्या है, तो आप कह सकते हैं ये स्पेशल नेम्स देते हैं हम लोग इसको, पर्सन्स को, इंसान, प्लेसेस, जगह, एनिमल्स, जानवर और थिंग्स, चीजों को. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेंगे. और एक बात याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन ऑलवेज, हर समय, ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर. ठीक है, प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर. अगर आप कोई इंसान के नाम, जगह, जानवर या फिर चीजों इनके नाम ले रहे हैं, तो हमेशा चाहे वो सेंटेंस के शुरू में हो, बीच में हो या फिर आखिर में हो, ठीक है, आप लोगों को जब भी कोई नाम ले रहे हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर्स से ही शुरू करना है. यू ऑलवेज हैव टू राइट अ नेम व्हेन यू आर राइटिंग अ प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन, यू ऑलवेज यू हैव टू स्टार्ट इट विद अ कैपिटल लेटर. ठीक है, तो फिर से एक बार, प्रॉपर नाउन है क्या, व्हाट इज प्रॉपर नाउन? डेफिनेशन, स्पेशल नेम्स गिवन टू पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स. और एक बात क्या याद रखना है कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो एक नाम है. जब हम लोग किसी का या कहीं का, जगह या फिर कोई जानवर का नाम लिख रहे हैं, कोई चीज का नाम जब लिख रहे हैं, तो
हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं. सो दिस वॉज प्रॉपर नाउन डेफिनेशन एंड प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर. अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि आप लोगों को आसानी से याद रहे. ठीक है, ये आप लोगों ने देख लिया होगा. वीडियो जब दोहराएंगे तो आप लोग फिर से देख सकते हैं. अगर कोई स्टूडेंट चाहता है तो वो अपने कॉपी में भी लिख के रख सकता है नोटबुक पर. ठीक है, सो एग्जांपल्स, अगर मैं कहता हूं कि विराट कोहली इज अ गुड क्रिकेटर, ठीक है, विराट कोहली इज अ गुड क्रिकेटर. तो यहां पर जो इंसान के नाम है वो विराट कोहली है. ठीक है, तो विराट कोहली क्या हुआ, एक इंसान के नाम. क्या करते हैं वो, उसे हम लोग कैसे पहचानते हैं, वी आइडेंटिफाई हिम एज अ गुड क्रिकेटर, वो एक अच्छा क्रिकेटर है. ठीक है, तो अगर ये इंसान का नाम नहीं होता तो हम लोग उसे नहीं पहचानते. हम लोग ये कहते कि अरे ये इंसान अच्छा खेलता है क्रिकेट, वो इंसान अच्छा खेलता है. अभी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो अच्छे क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन जब हम लोग विराट कोहली की बात करते हैं तो हम लोग एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके नाम लेने से ही हम लोगों को ये मालूम चलता है कि ये बैट्समैन जो है ये इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है और एक अच्छे क्रिकेटर भी है. ठीक है, सो रिमेंबर आई हैव सेड इन द डेफिनेशन, प्रॉपर नेम वी यूज इट फॉर अ पर्सन. तो ये हो गया एक पर्सन जिसके नाम है विराट कोहली और वो एक गुड क्रिकेटर है. ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं क्या है, प्रियंका चोपड़ा. सर इनको ये मालूम है ये कौन है, इज अ गुड एक्ट्रेस. एक्ट्रेस मतलब अभिनेत्री. ठीक है, जो सिनेमा में फिल्मों में काम करते हैं अभिनेत्री है. ठीक है, अभिनेता जो हीरो होते हैं, अभिनेत्री जो एक्ट्रेस होते हैं. ठीक है, तो प्रियंका चोपड़ा सभी को नाम लेते ही ये मालूम चल जाता है कि ये एक्ट्रेस के नाम है. ठीक है, हम लोग बहुत सारे मूवीज देखे हैं इनके. ऑलराइट, सो व्हेन वी नेम समबडी, ये दो जो हो गए ये पर्सन्स के नाम है. ठीक है, नेम ऑफ पर्सन्स, इंसान के नाम. ऑलराइट, जब हम लोग ये दोनों के नाम लेते हैं तो समझ में आ जाता है कि विराट कोहली इज द नेम ऑफ अ गुड क्रिकेटर, प्रियंका चोपड़ा इज अ गुड एक्ट्रेस, एक अभिनेत्री का नाम. तो नेम ऑफ पर्सन्स, पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन्स. ठीक है, हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं प्रियंका चोपड़ा, विराट कोहली. आप लोगों का जो स्पेशल नेम्स है, गुड नेम्स जो स्कूल में यूज करते हैं, टीचर्स जब अटेंडेंस लेते हैं, ठीक है, राहुल आर यू प्रेजेंट, सुशवंत आर यू प्रेजेंट, तो ये जो नाम लेते हैं टीचर्स, ये आपके शुभ नाम जो है ये सब प्रॉपर नाउन्स है. ये नाम लेने से आपके दोस्तों या फिर टीचर को ये मालूम हो जाता है कि, या फिर आपको भी ये मालूम हो जाता है कि आप ही को बुला रहे हैं. ठीक है, तो विराट कोहली इज अ गुड क्रिकेटर, विराट कोहली आपका एक प्रॉपर नाउन, एक इंसान के नाम, और प्रियंका चोपड़ा इज अ गुड एक्ट्रेस. सो वी सी दैट ये प्रॉपर नाउन है एक अभिनेत्री. ठीक है, नाउ एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल वन हो गया, टू थ्री, थ्री में क्या है, द गंगा इज अ बिग रिवर. हम लोग सभी गंगा नदी के बारे में जानते हैं,
तो वो जो नदी का नाम है वो है गंगा। ठीक है, तो हम लोग एक नदी को नाम देते हैं जिसको बोलने से ही हम लोग को ये पहचान में आता है कि चलो अच्छा गंगा नदी मतलब हम लोग के लिए वो एक धार्मिक स्थल है, उसके पार में जितने भी शहर हैं वो सभी नामी शहर हैं, बनारस उनमें से एक है। तो गंगा हम लोग के जो हिंदुस्तान की एक ऐसी नदी का नाम है जो लेते ही हम लोग समझ जाते हैं कि अच्छा गंगा नदी के नाम ले रहे हैं। ठीक है, तो नेम ऑफ अ रिवर गंगा। फिर द ताजमहल इज इन आगरा, तो ये एक बिल्डिंग का नाम है, एक मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट मतलब एक इमारत जो शाहजहां ने किए थे। ताजमहल ये नाम है इमारत का, तो देखिए कैपिटल लेटर से शुरू किए हैं, इसका पूरा नाम ताजमहल है, महल का एम भी कैपिटल लेटर होगा, और जगह के नाम प्लेस, रिमेम्बर डेफिनेशन में कहा था कि नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग, तो प्लेस हो गया आपके आगरा, तो आगरा भी मैं कैपिटल लेटर से ही लिख रहा हूं। नेम ऑफ ये नेम है एक इमारत का ताजमहल, तो ताजमहल का टी और एम कैपिटल लेटर से हम लोग लिखेंगे। प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। ऑलराइट, अब एक चीज हम लोग सभी जानते हैं कि जब कपड़े मैला हो जाते हैं तो घर में वो डिटर्जेंट पाउडर से धोते हैं। ऑलराइट, सो अगर मैं कहता हूं सर्फ, सभी के घर में यूज करते हैं, सर्फ इज अ डिटर्जेंट जिससे कपड़े धोते हैं, उसे हम लोग डिटर्जेंट पाउडर कहते हैं, डिटर्जेंट पाउडर। लेकिन सर्फ जो है ये कंपनी का नाम है। ठीक है, और भी बहुत सारे कंपनीज हैं, टाइड है, रिन है, एरियल है, तो ये सब कंपनीज के नाम है। लेकिन जब हम लोग सर्फ के नाम लेते हैं तो हमें मालूम चल जाता है कि कोई स्पेशल कंपनी का या फिर स्पेशल डिटर्जेंट पाउडर का बात कर रहे हैं, और एस जो है सर्फ के ये कैपिटल लेटर से शुरू होगा। ठीक है, सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये हो गया पर्सन, ये हो गया प्लेसेस, ये हो गया थिंग। विराट कोहली एक क्रिकेटर के नाम है जिसके नाम हम लोग बोलने से समझ में आता है कि वो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है। प्रियंका चोपड़ा एक अभिनेत्री है। गंगा एक नदी का नाम है। द ताजमहल वो एक इमारत के नाम है, और कहाँ है वो, आगरा में, तो नेम ऑफ अ प्लेस वो भी कैपिटल लेटर से, और सर्फ इज अ डिटर्जेंट पाउडर, तो डिटर्जेंट पाउडर का नाम कंपनी का नाम है सर्फ, तो एस शुरू होता है कैपिटल लेटर से। ठीक है, तो ये हो गए प्रॉपर नाम। प्रॉपर नाम क्या है, व्हेन वी गिव स्पेशल नेम्स, कोई खास नाम देते हैं जिसको पर्सन प्लेसेस एनिमल्स एंड थिंग्स। ठीक है, सो ये रहा कुछ एग्जांपल्स, और हमेशा याद रखिएगा कि प्रॉपर नाम जब हम लोग लिखते हैं तो वो कैपिटल लेटर से ही शुरू हो गए। ठीक है, नाउ वी विल गो ऑन टू द सेकेंड नाउन, व्हाट वाज दैट, कॉमन नाउन। ऑलराइट, नाउ ये है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या है, हम लोग पहले नाउन्स पढ़े। ठीक है, नाउन से हम लोग को क्या सीख मिला कि जो हम लोग नाम देते हैं, इसलिए नाउन्स को ये भी कहा जाता है नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, फिर हम लोग और एक सीखे उसके एक भाग, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है, जो हम लोग स्पेशल नेम्स देते हैं कोई पर्सन इंसान प्लेसेस जगह एनिमल्स जानवर और थिंग्स चीजों को, जब हम लोग कोई स्पेशल नाम देते हैं मतलब वो नाम लेने से हम लोग को एक बार भी मालूम चल जाता है कि ये हम लोग किसके बात कर रहे हैं। ठीक है, वो इंसान हो सकता है, जगह हो सकता है, जानवर हो सकता है, या फिर कोई चीज का नाम हो सकता है। अब सेकेंड में आ गया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है, कॉमन जो वर्ड है मतलब साधारण तौर पे जो यूज होता है उसे हम लोग कॉमन कहते हैं। तो कॉमन नाउन क्या है, व्हेन वी गिव कॉमन नेम्स टू पर्सन्स प्लेसेस एनिमल्स थिंग्स वी कॉल इट
कॉमन नाउन। तो ये आपका कॉमन नाउन का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, तो कॉमन नाउन क्या है? जब हम लोग कॉमनली कोई नाम देते हैं, द कॉमन नेम्स दैट वी गिव टू पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। तो ये हो गया कॉमन नाउन, ये इजी है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, समझ में आएगा। अ पर्सन हू ड्राइव्स अ कार, जो इंसान गाड़ी चलाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? ड्राइवर। ठीक है, तो ये एक कॉमन नाउन है। ठीक है, जब हम लोग ये कहते हैं कि स्कूल छुट्टी होने वाला है, सभी ड्राइवर्स को बुलाओ, बच्चों को लाइन में खड़े करो, उनको घर वापस जाना है, तो ड्राइवर सभी आ गए। अब उनमें भाग होते हैं, कोई बस चलाता है तो वो बस ड्राइवर है, कोई गाड़ी लेके स्कूल पहुंचाता है बच्चों को तो वो कार ड्राइवर हो गया, जो आपके घर में गाड़ी चलाता है वो भी एक ड्राइवर है। ठीक है, तो जो गाड़ी चला रहा है, जो इंसान गाड़ी चला रहा है वो अनेक हो सकता है, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु ड्राइव्स कार, तो उन लोगों को हम लोग जो ड्राइव करते हैं कहते हैं ड्राइवर। ठीक है, अ पर्सन हु टीचर्स, जो इंसान हमें शिक्षा देते हैं, ठीक है, जो हमें पढ़ाते हैं स्कूल में या फिर ट्यूशन में या फिर कोचिंग क्लास में, जो भी है जो हमें पढ़ाते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? टीचर। तो टीचर, ड्राइवर, ये सब हो गए कॉमन नाउन, जो इंसान या फिर हर एक इंसान, प्रत्येक इंसान जो गाड़ी चलाते हैं उसे हम लोग कहते हैं ड्राइवर, जो शिक्षा देते हैं उसे हम लोग कहते हैं टीचर। फिर अ पर्सन हु फाइट्स फॉर आवर कंट्री, ठीक है, जो इंसान हमारे देश के लिए लड़ते हैं, दुश्मनों से हमें बचाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं सोल्जर। ठीक है, तो ये एक श्रेणी है जिसे हम लोग नाम देते हैं एक इंसान के एक प्रकार। ठीक है, एक ही प्रकार के जितने सारे इंसान वो काम करते हैं हम लोग उसे कॉमन नाम देते हैं, तो वो कॉमन नेम जो हम लोग देते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन। ऑलराइट, जैसे ए पर्सन हू ड्राइव्स अ कार, ड्राइवर। अभी ड्राइवर तो खाली राजस्थान में ही नहीं है, वो दिल्ली में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है, तमिलनाडु में भी है, पूरे देश में जो या फिर पूरे दुनिया में जो गाड़ी ड्राइव करते हैं उसे हम लोग ड्राइवर कहते हैं। अ पर्सन हू टीचर्स, जो हम लोगों को शिक्षा देता है पूरे विश्व में, ठीक है, सभी जगहों पर उन्हें टीचर कहते हैं। अ पर्सन हू फाइट्स फॉर आवर कंट्री, जो अपने देश के लिए लड़ता है, विदेशों में भी जो अपने देश के लिए जो लड़ते हैं, अपने देश को बचाते हैं दुश्मनों से, उन्हें हम लोग कहते हैं सोल्जर। तो कॉमन नेम एक श्रेणी है, एक क्लास ऑफ पीपल है या फिर एक ही तरह की जगह है जिसे हम लोग एक कॉमन नाम देते हैं। उसके बाद हम लोग उसे जब स्पेसिफिक कोई स्पेशल नाम देते हैं वो बन जाता है प्रॉपर नाउन। फिर एक देखते हैं, अ प्लेस विद मॉडर्न फैसिलिटीज, ठीक है, ये हो गया आपका सर। अ प्लेस विद मॉडर्न फैसिलिटीज, जहां पर स्कूल्स बहुत सारे हैं, नजदीक हैं, गाड़ी, रोड, ठीक है, अच्छे रेस्टोरेंट्स, अस्पताल, लाइब्रेरी, ठीक है, ये सब जो एक जगह में जब एक साथ आसपास रहते हैं तो हम लोग उसे एक शहर कहते हैं, अ सिटी। सो इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस, अ कॉमन नेम। अब सिटी तो एक नहीं है, ठीक है, जयपुर है, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई, तो ये सभी जो है ये शहर का नाम होते हैं, तो शहर जो है वो एक कॉमन नाउन है। ठीक है,
सिटी, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं, अ प्लेस वेयर वी गो फॉर स्टडी, जहां हम लोग सभी पढ़ने के लिए जाते हैं, वो जगह को हम लोग कहते हैं स्कूल। तो स्कूल हो गए आपके कॉमन नेम, स्कूल आप डिस्कवर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं तो वो एक नाम हो गया, आप कहीं और पढ़ते हैं सेंट पैट्रिक्स स्कूल में पढ़ते हैं तो वो एक स्कूल का नाम हो गया। लेकिन जहां पर शिक्षा हम लोग लेने जाते हैं, ठीक है, वो एक गांव का छोटा स्कूल भी हो सकता है या फिर एक शहर का बड़ा सा स्कूल भी हो सकता है, लेकिन जहां शिक्षा हम लोग लेने जाते हैं, वेयर वी गो टू स्टडी, दैट प्लेस इज व्हाट वी कॉल्ड अ स्कूल। तो स्कूल हो गया आपके कॉमन नाउन, ठीक है, स्कूल। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जहां हम लोग भगवान को प्रणाम करने जाते हैं, हम लोग उनके दर्शन लेने जाते हैं, तो वो जगह को हम लोग कहते हैं टेम्पल, मंदिर, ठीक है। तो टेम्पल, स्कूल, सिटी, ठीक है, फिर इंसान में हो गया ड्राइवर, टीचर, सोल्जर, ये सारे जो हैं, ये बहुत सारे हैं, तो उन्हें हम लोग एक कॉमन सा नाम देते हैं, ठीक है, कि भाई ये सोल्जर हैं, ये हमारे देश को रक्षा करते हैं बाहरी दुश्मन से। जो इंसान गाड़ी चलाता है उसे हम लोग ड्राइवर कहते हैं, ठीक है। प्लेस जहां पर अत्याधुनिक जो फैसिलिटीज होते हैं, ठीक है, उसे हम लोग वो जगह को शहर कहते हैं, सिटी। अ प्लेस वेयर वी गो फॉर स्टडी, जहां हम लोग पढ़ने जाते हैं, शिक्षा लेने जाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं एक स्कूल, ठीक है, जहां हम लोग भगवान को दर्शन करने जाते हैं, वो एक कॉमन सी जगह है, तो उसे हम लोग कहते हैं एक मंदिर। तो ये जो सारे नाम हम लोग देते हैं वन ऑफ द सेम काइंड, ये ऐसा नहीं कि एक ही जगह है, ये बहुत सारे जगह है, लेकिन हम लोग एक नाम से उसे पहचान जाते हैं, वो है कॉमन नेम, मंदिर, ड्राइवर। अब उनके अलग अलग अपने स्पेशल नेम्स होते हैं, जो स्पेशल नेम्स हम लोग देते हैं तो उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे काशी में शिव जी का मंदिर है, लेकिन वो मंदिर का नाम क्या है, काशी विश्वनाथ, तो विश्वनाथ जो है वो मंदिर का एक स्पेशल नाम है, काशी विश्वनाथ, ठीक है। तो काशी का मंदिर हो गया आपके कॉमन नाम और काशी विश्वनाथ हो गया आपके प्रॉपर नाम, ठीक है। तो ये रहा कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। तो फिर से एक बार, व्हेन वी गिव स्पेशल नेम्स टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, याद रखिएगा एग्जांपल्स, विराट कोहली था एक प्लेयर, प्रियंका चोपड़ा थी एक एक्ट्रेस, ठीक है, और आपके जो नाम है, शुभ नाम है, या फिर घर पे जो नाम बुलाते हैं मम्मी पापा, तो वो जो नाम है जिससे बुलाते ही आप लोगों को समझ में आता है कि हाँ हम ही बुला रहे हैं, या फिर वो जगह के नाम ले रहे हैं, चलो ताजमहल इज इन आगरा, तो आगरा एक शहर का नाम हो गया, वहां पर क्या है, वहां पर फेमस क्या है, ताजमहल है, ठीक है, मशहूर क्या है, ताजमहल, ठीक है। तो ऐसे ही ये हो गया आपके प्रॉपर नाउन। और जो एक ही श्रेणी का बहुत सारे जगह, इंसान, जानवर या फिर चीज का नाम लेते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे जो इंसान गाड़ी चलाता है देश भर में, पूरे दुनिया में, उसे हम लोग ड्राइवर के नाम से जानते हैं, ड्राइवर बोलते हैं उन लोगों को, ठीक है। पर्सन जो शिक्षा देते हैं, जो पढ़ाते हैं हम लोगों को, उन्हें हम लोग टीचर्स कहते हैं। अ पर्सन हु फाइट्स फॉर आवर कंट्री, जो हमारे देश के लिए लड़ते हैं, वो सारे आदमियों को हम लोग सोल्जर्स कहते हैं। और अ प्लेस वेयर वी गो टू स्टडी, जहां हम लोग सभी पढ़ने जाते हैं विश्व भर में, उसे हम लोग स्कूल कहते हैं। तो ये जो सारे एग्जांपल्स हैं, ये कॉमन नाउन का हो गया। और जब हम लोग कोई स्पेशल नाम से पुकारते हैं वो कॉमन नाउन को, तो उसे हम लोग एक प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज इट स्टूडेंट्स, टुडेज चैप्टर इज प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स। वी लर्न द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन, वेन यू गिव स्पेशल नेम्स टू पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, और हम लोग एग्जाम्पल देख लिए। सेकेंड है आपके कॉमन नाउन, जो नेम्स हम लोग कॉमनली देते हैं अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को, ठीक है, सेम क्लास के, सेम काइंड के। जैसे
जो जो जानवर के येलो और ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं उन्हें हम लोग टाइगर कहते हैं। अब टाइगर के अगर आप कोई नाम देते हैं तो वो अलग है, लेकिन विश्व में जितने भी टाइगर्स हैं उनके स्किन येलो और ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं। जितने भी संस्थान है जहां हम लोग पढ़ने जाते हैं, वो गांव का हो सकता है, शहर का हो सकता है, ये उसे हम लोग स्कूल कहते हैं। तो ये रहा कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। प्लीज गो थ्रू द वीडियो, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आई विल गिव एक्सरसाइजेस बेस्ड ऑन दिस। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू कैन आस्क मी, एंड डू स्टडी एट होम, पढ़ाई कीजिए घर में, एंड ऑलवेज लिसन टू योर पेरेंट्स। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।